दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारा खूबसूरत नीला ग्रह पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? आखिर हमारे पृथ्वी पर जानवरों का विकास कैसे हुआ? और शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी पर डायनासोर कौन से ग्रह से आए थे और वो अचानक कैसे विलुप्त हो गए। और क्या आपको पता है पृथ्वी पर पेड़ पौधे और पानी का निर्माण कैसे हुआ? और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि हमारे पृथ्वी के निर्माण के वक्त एक और ग्रह का भी जन्म हुआ था। वहाँ पर भी हमारे जैसे इंसानों का जीवन पनपता था। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वो कौन सा ग्रह है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने पृथ्वी के इतिहास की सभी कड़ियों को जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है। लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेस में था। आज जिन फोल्ड्स, पहाड़ और लैंडस्केप का लुफ्त हम उठाते हैं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। धरती पर बनपे सबसे पहले माइक्रोबियल लाइफ की बात की कहानी तो हम सब कई बार सुनते आए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोबियल लाइफ के पहले फॉर्म हुए अर्थ की एक्रोनोलॉजी पर बात करने वाले हैं। लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और ये पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ जोड़ने लगे। इसकी वजह से स्मॉल स्टोन्स फॉर्म, और ये काफी रोचक और सिंपल प्रक्रिया थी जो काफी लंबे समय तक चली। लेकिन इसी प्रक्रिया ने प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल की शेप में आ गई। लेकिन अब भी पृथ्वी अपने असली स्वरूप में नहीं बनी थी। इसे अभी भी कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल अभी एक गर्म गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बार से भरी हुई थी। तब तक ना तो हवा थी और ना ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर केवल लावा बह रहा था। लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया, और ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर चांद कहलाया। आज भले ही चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में हमारा चांद पृथ्वी के काफी करीब रोटेट करता था। समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई, चांद भी ग्रेविटी के चलते गोलाकार शेप में फॉर्म हो गया। लेकिन टकराव का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, जब सोलर सिस्टम में मौजूद मेट्रोइड्स भारी मात्रा में धरती की ओर गिरे। सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मेट्रोइड्स जब धरती की ओर आए, तो वो अपने साथ पानी की कुछ मात्राएं भी लेकर आए। कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वहाँ पानी की ढेर सारी मात्रा इकट्ठा हो गई। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री तक कूल करने का काम किया। लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम भी पानी ही करने वाला था। आपको बता दें कि आज जिस पानी को हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं, ये मिलियन सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल वर्ल्ड से संबंध रखता है। यानी कि आम भाषा में कहे तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि मेट्रोइड्स के जरिए मिला है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जो वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती गई। इसी की वजह से ओशन वाटर में काम होता गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से कवर हो गई। जमीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में ही मौजूद थी। लेकिन कोर से लावा का निकलना अब भी जारी था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाले सतह ने जोड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का भी फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई, तब भी मेटेरॉइड्स का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खास तौर पर जब मेटेरॉइड्स वार्म कीट जब समुद्र में गिरा, तो उसने पानी में अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहले माइक्रोबियल लाइफ धरती पर फॉर्म हो गई। सबसे पहले यूनिसेक्यूलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई मिलियन साल तक ये बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने दादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी, तो पानी ने अब्सॉर्ब करना शुरू किया।
सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिसके वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ की वजह से ओशन वाटर ऑक्सीजन से भर गया। समंदर में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले माइक्रोबियल लाइफ का विकास नहीं होता तो शायद हमें आज पृथ्वी का ये स्वरूप देखने को नहीं मिलता। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई और प्लेनेट के रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई। दिन बड़े होते चले गए और पृथ्वी पर वो सभी हालात पैदा हो गए जो किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी थे। 1.5 बिलियन साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पिघले लावा के चलते पृथ्वी की सतह ने टूटना शुरू किया। शुरुआती दौर में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गई थी, लेकिन लावा के चलते प्लेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सभी सतह ने टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण शुरू कर दिया। जहां तक एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे थे, तो वहीं वोल्केनिक इरप्शन के चलते कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ कोर में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ की 3 किलोमीटर की चौड़ी लेयर में ढक गया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि इससे पृथ्वी सफेद दिखाई देने लगी। सूरज से आने वाली गर्मी भी सफेद बर्फ के चलते वापस आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन ये स्नो एज हमेशा के लिए धरती पर नहीं बनपने वाली थी। पृथ्वी का कोर गर्म था, इसीलिए एक बार फिर वोल्केनिक इरप्शन के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और आइस में केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई सालों तक ये घटना इसी तरह साइकिल में चलती रही। ऐसे में मिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ग्रह का एयर टेम्परेचर भी इसी स्थिति में आ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज में विकसित हुए सभी बैक्टीरिया को मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डीप पोषण में रह रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव पर इवॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मॉल्क्स विकसित हुए। इसी के साथ ही बॉन्स क्लेटन्स का भी विकास हुआ। पहले वॉर्म से लेकर स्पॉन्जेस और ट्रिलोबाइट्स का विकास भी शुरू होने लगा। हालांकि जमीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का विकास शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी नहीं बन पी थी। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट के साथ पहले पेडेटर्स का भी विकास हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के रूप में ट्रिलोबाइट को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधों ने अपनी एक जगह बनानी शुरू कर दी। प्लांट्स और एनिमल्स की कम से कम 10,000 प्रजातियां अस्तित्व में आई। जहां पानी के अंदर एक सुंदर मरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, वहीं हमारी सतह अभी भी बंजर थी। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशंस थी। लेकिन जल्द ही समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ओजोन नाम की एक नई गैस का निर्माण शुरू हुआ। इस गैस ने धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से सूरज से आती हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर से अंदर नहीं आ पाई। वक्त के साथ ओजोन काफी मोटी होती चली गई, जिससे 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक ग्रीन एनवायरनमेंट का विकास शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ समंदर में मछलियां भी पनपने लगी। इन मछलियों के फिंग्स जैसे पैर धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए, जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने लगी। बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन का भी विकास हुआ, लेकिन वो मछली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले इस समुद्र को छोड़कर जमीन पर घर बनाया और धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने कई जानवरों का विकास किया। सबसे पहले शुरुआत लैंड रेप्टाइल से हुई, लेकिन इनमें इवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर की कई प्रजातियां हमें धरती पर देखने को मिली। धरती पर हरियाली बढ़ने के साथ साथ जायंट जंगलों का भी विकास हुआ और ये जंगल कई बड़े डायनासोर का घर बन गया।
आप ये मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था जो हर दिन बदल रहा था और बेहतर हो रहा था, और धीरे धीरे ये फॉर्मेशन तब से लेकर आज तक इवोल्यूशन का ही एक नतीजा है, जिसके बाद हमें कई सारे जानवर और इंसान भी देखने को मिले। पर अगर इस पूरी प्रक्रिया को हम ब्रीफ करने लगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी की फॉर्मेशन से लेकर जीवन की उत्पत्ति की कहानी। इन फैक्ट से पता चलता है कि आज जिस पृथ्वी को हम देखते हैं उसके एवोल्यूशन के पीछे एक गहरा इतिहास छिपा है। एवोल्यूशन की रेस आज भी जारी है और अभी भी प्रकृति उसी रफ्तार से इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि हमें भविष्य में न जाने धरती पर क्या क्या देखने को मिल सकता है।